अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एंटीस्ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 करेंगे, यूनिट नंबर 7, लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 7.2 में। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें एक दर्जी मसावात, जिस तरह एक दर्जी होता है, दो दर्जी होता है, आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो इसमें आप मुख्तलिफ इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, लेकिन आपने लीनियर इक्वेशन का बताना है। तो चलो डिटेल से इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये लीनियर है तो क्यों है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, y इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे कि वेरिएबल पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ y पावर भी 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल x और y में। आपके पास ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन। दूसरे को देख लें, 5x पावर 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 वाई। ऊपर डिग्री को, पावर को आप एक्सपोनेंट को देखेंगे, कुतनुमा को देखेंगे, जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है उसको आप देखेंगे। अगर वो 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो वो आपके पास क्या है, नॉन लीनियर या नॉट लीनियर, नॉन लीनियर। ये आपके पास बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पर वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन। और इसी तरह y पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास नॉट लीनियर इक्वेशन या नॉन लीनियर। और इसी तरह x यहाँ पर पावर आपके पास 1 है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर वेरिएबल पावर 3 है, तो ये आपके पास लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इक्वेशन। ये भी क्यूबिक है। y इक्वल टू 3 प्लस z, z पावर 1 है, y पावर 1 है, दो वेरिएबल्स है इसमें, और ये आपके पास लीनियर है, पावर इसका 1 है, तो लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर अगर इसको देख लें, लास्ट वन को, h को, तो x पावर 1 है, तो लिहाजा ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और डिटेल से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एट लीस्ट 5 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 5 आपने लीनियर इक्वेशन लिखने हैं, तो बुक के मुताबिक इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि ये अपने से आप लिखेंगे। तो चलो अपने से हम इसको लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, लेकिन ख्याल करना है 1 वेरिएबल में हो, उस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल ना हो। यानी 10b अगर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10b प्लस 4 इक्वल टू 14, तो ये आपके पास इसमें एक ही वेरिएबल है, यानी b, यानी a और b दोनों नहीं आना चाहिए, या a में लिखेंगे या b में, तो इस तरह ये एक हो गया इक्वेशन। अब अगर एक और इक्वेशन में लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर x में लिखता हूँ, x में यानी 1 वेरिएबल में, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 8, ये आपके पास एक और हो गया। इसी तरह अगर एक और लिखें, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 6x लिख लें प्लस 2 इक्वल टू माइनस 19। और इसी तरह d अगर एक और आप लिखना चाहते हैं, तो 3y प्लस 2 इक्वल टू 12। अब अगर एक और आप लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स 0.3 into x plus 6.9 इक्वल टू 12। इस तरह आप 1 वेरिएबल में मुख्तलिफ इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अगर आप करेंगे, तो ये आपके पास 1 वेरिएबल में नहीं है, एक वेरिएबल आपके पास x है और दूसरा y है, तो ये आपके पास इस तरीके से नहीं है,
यानी लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर करेंगे 7.3 सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।